अच्छा तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इस तरह का शेप बनाने के लिए हमें क्या करना है, इस तरह का एक पहले शेप बनाते हैं हम इसके ऊपर। ये जब शेप बन जाएगा तो इसको हमने क्या करना है, कंट्रोल टी दबा के ऑल्टर के साथ इसे छोटा करना है। इधर आइए, अभी इसको क्लिक करके अप्लाई करेंगे, शेप्स में जाएंगे तो यहाँ पे शेप्स पे एक ऑप्शन आना चाहिए जो कि नहीं आ रहा है। ठीक है, पेन टूल यूज करना पड़ेगा फिर, अगर इस पे ऑप्शन नहीं आ रहा तो यहाँ से लेके पेन टूल इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा डिजाइन इसका बनाना पड़ेगा, फिर जाके ये काम होगा। तो इसके लिए चलो शुरू करते हैं, इसके ऊपर पेन टूल लेते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे, ये क्लिक किया और इसके बाद हमें ऐसे लेके जाना है इसको, यहाँ पे रख के अंदर ज्यादा जा रहा है। कलर खत्म करते हैं इसका जरा, ठीक है। इस तरह का एक शेप निकालेंगे, इस पे अभी हम कलर भरेंगे। स्ट्रोक लगाएंगे इसके ऊपर, कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट लेंगे। अब डुप्लीकेट लेके हम ये चीज तो बना लेंगे, लेकिन आप इसमें नोट करेंगे ये भी चीज इसके साथ कर्व हो रही है। तो अब इसमें कंफ्यूजन ये है, इसमें एक ऑप्शन आता था लेकिन इसमें शायद वो नहीं आ रहा, सिलेंडर वगैरह का ऑप्शन एक आ जाता था इसके अंदर, शेप्स लेते थे। तो एडिट पर जाके देखते हैं, यहाँ पर जो हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया था तो यहाँ से लेके पहले इस पे हम ऐड करते हैं, इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है ये कि इसका हम कर्व जो है ना वो नहीं बना पा रहे सही तरीके से। इसका भी कर्व अगर हम बनाए तो फिर ये नहीं, इसका शेप फिर हमें खुद बनाना पड़ेगा ना। ये देखो ये बन तो जाएगा, ये ऐसे करके शेप बना के फिर ऐसे बनाना पड़ेगा, समझे मेरी बात? नहीं, कार्ड यही बनेगा, वो बनेगा फिर पेन टूल से बनेगा फिर ये। मैं उसको चाह रहा था शेप से कन्वर्ट करें लेकिन वो नहीं हो रहा उससे कन्वर्ट है, तो फिर इसको बनाए इस तरीके से और क्या करें। ठीक है, ये शेप ऐसे निकालना पड़ेगा हमें पूरा, अब बस इसी के डुप्लीकेट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और शेप पे जाके यहाँ से हम इसको कोई कलर दे देते हैं। ठीक है, ये निकला है शेप, और उसके बाद जो है ठीक है, ये निकला है शेफ। अब इसी का रेस्टराइज कर लेंगे आप इसको, रेस्टराइज करने के बाद बस अब इसी के डुप्लीकेट्स करना है। ठीक है, जैसे हाँ कंट्रोल जे करेंगे और नीचे वाला ऑरेंज वाला शेफ निकालना है, तो कंट्रोल जे उसको क्लिक किया, डबल क्लिक करके और उसमें हमने कलर फिल कर दिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे लेकर आएंगे,
ठीक है, अब उसमें क्या करना है कि ये जो शेप है उसमें थोड़ा सा ऊपर से पतला है फिर नीचे से, तो इसके लिए हमें कंट्रोल टी दबा के रोटेशन हैंडल एक्टिवेट करना पड़ेगा, रोटेशन पॉइंट को यहाँ पे रखना पड़ेगा, यहाँ रख के इसका व्यू पोर्ट जो है जो हम घुमाएंगे थोड़ा सा। अच्छा अब इसके लिए देखिए ऐसे थोड़ा सा निकाल लिया आगे, अब इसको ठीक है ओके कर दे, अब इसको दोबारा से बैक एरो की मदद से पीछे ले जाए, सही है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसका भी एक डुप्लीकेट लेंगे कंट्रोल जे करके और उस पर क्लिक करके, कलर पे क्लिक करके यहाँ से आई थिंक येलो कलर ले लेते हैं हम इसके ऊपर, थोड़ा सा इसका लाइट, ठीक है। अब इसको कितना बाहर रखना है, जितना बाहर रखेंगे इस तरह रख के फिर यहाँ से इसको वही कंट्रोल टी और रोटेशन पॉइंट को हम रखेंगे इसके इसी पॉइंट पर, और इसको यहाँ से ओके क्लिक अप्लाई, और इसको बैक एरो की मदद से, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, ज्यादा रखना है तो फिर थोड़ा सा और घुमाना पड़ेगा रोटेशन पॉइंट को, ठीक है। कंट्रोल टी करके फिर रोटेशन पॉइंट देंगे यहाँ से, इसको इसी एंगल पे रख के, ठीक ओके, फिर थोड़ा पीछे कर दें इसके साथ, ठीक है। और फिर तीसरा वाला लेंगे कंट्रोल जे करके, अच्छा उसमें थोड़ा सा इसने पीछे ग्रे किया उसको व्हाइट कलर दिया है, तो इसके लिए थोड़ा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, तो पहले इसको व्हाइट कलर दे देते हैं, व्हाइट पे व्हाइट दिखेगा नहीं हमें ना, तो पीछे बैकग्राउंड को फिर हमें थोड़ा सा ग्रे करना पड़ेगा, तो इस पे क्लिक करके, अच्छा इसमें किया क्या, एक फोटो लगा के ग्रे सा उसके ऊपर हल्का सा किया है, तो फोटो बैकग्राउंड में कैसे लगाते हैं वो भी मैं बता देता हूँ अभी आपको। तो पहले हम इसको सेव कर लेते हैं फाइल को, PSD में सेव कर देते हैं, सी व्यू PS सी व्यू और सॉरी सनशाइन, ओके ठीक है। तो अभी पिक्चर कैसे लगाएंगे, इसके बैकग्राउंड में कंट्रोल ओ करेंगे, एक इमेज लेंगे जो हमें लगाना है, जैसे रियल स्टेट का कोई इमेज लगाना है तो उसके अंदर फिर जाके तो बिल्डिंग बिल्डिंग का शेप हो उसके पास हमारे पास, ये लगा देते हैं, बहुत छोटा है। अब इस तरह के फोटोज पहले डाउनलोड करके रखने पड़ते हैं बिल्डिंग्स वगैरह के, ये लगा देता हूँ, किचन का भी नहीं खुल रहा, ये देखते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी और यहाँ लगे कंट्रोल वी, काफी बड़ा इमेज है, कंट्रोल टी अल्टर शिफ्ट के साथ इसको यहाँ से हमने छोटा कर लिया, ऐसे रखेंगे इसको, ठीक है। और क्लिक करके अप्लाई कर देंगे, अब ये व्हाइट के ऊपर है, व्हाइट के ऊपर है ये, अब इसको व्हाइट को इसके ऊपर लेंगे, नहीं व्हाइट को ऊपर लेंगे तो इसको क्लिक करके इसका जो फिल है उसको आप 25% कर दें, चाहिए। अब वो जो व्हाइट वाला शेप था अब जब वो आगे लाएंगे तो आपको उस पर दिखाई देने लग जाएगा, क्योंकि ग्रे हो गया ना पीछे का हल्का सा, तो इसको जितना बाहर लाके फिर आपने इसको वही कंट्रोल टी करना है और रोटेशन एंगल पॉइंट को जो है आपने यहाँ पे ले जाके सेट करना है इस पोजीशन पे, और इसको इस तरीके से करने के बाद अप्लाई कर देना है, सही है। ये इसका निकल आया हमारा परफेक्ट डिजाइन, कंट्रोल एस करके सेव कर लें, ये डिजाइन निकल आया इसका, ठीक है। बाकी ये फिर इसके अंदर फोटोज लगाने हैं, तीन हमें वो बनाने हैं इस पे, ये वाले इस ऑप्शन से बनेंगे पॉलीगॉन, तो 6 पॉइंट वाला पॉलीगॉन बनाना है, इसको 6 है ना, 2 1 2 3 4 5 6 पॉइंट का पॉलीगॉन बनेगा, 6 पॉइंट बनाएंगे और इसमें यहां से लेंगे हम इसको 100 बाय 100 पे ले लेते हैं और ओके कर देते हैं, तो ये परफेक्ट पॉलीगॉन बनेगा, कंट्रोल टी दबाएंगे, शिफ्ट का बटन दबाएंगे और इसको ऐसे सीधा कर देंगे, उसको थोड़ा सा
ठीक है, यहाँ ये कंट्रोल जे ऑल्टर के साथ दूसरा ले लेंगे, फिर तीन हो गए, एक और ले लेंगे, ओके ठीक है, इनमें कोई भी कलर भर दें और कलर भर के इनके अंदर ये फोटो लगा दें, आउटलाइन इनकी थोड़ी सी मोटी करनी पड़ेगी। बाकी फिर ये उर्दू वाला फॉन्ट लाके इस पे लगा दें, ये थोड़ा सा डिजाइन आप खुद बना लेना, स्क्वायर रख के बनाने, एक दो तीन चार पाँच छः से एक के बाद एक स्क्वायर रख के इस तरह का डिजाइन बना लेना, ठीक है।